जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पे यूँ ही बनी रहे, आप सब यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। तो देखिए, आज है गुरु पूर्णिमा, यानी कि गंगा स्नान भी है। तो हमारे लड्डू बाबू का स्नान हो चुका है। तो ये देखिए, मैंने व्हाइट ड्रेस में आज इनका श्रृंगार किया हुआ है। श्रृंगार नहीं किया है क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गई है, तो मैं श्रृंगार नहीं, सिंपल सा बस ड्रेस पहना देती हूँ नहला के, और श्रृंगार में कभी कभी करती हूँ आप सर्दियों में। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं किया है मैंने ठंड की वजह से। तो ये देखिए मेरे लड्डू बाबू को, ये देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो सुंदर लगती है ये ड्रेस इनको। और ये हमारी लाडो है, तो ये देखिए मेरी लाडो का टीका हो गया है थोड़ा सा, ये ऐसे ही। तो ये मेरी लाडो है। आज मैंने सभी का वाइट ड्रेस में श्रृंगार किया। मेरे कन्नू का जो है कैप नहीं मिला है मुझे, तो उन्हें मैंने येलो कलर का कैप पहनाया हुआ है। और ये हमारे सालिग्राम जी हैं, उनके लिए भी मैंने ड्रेस बनाया हुआ है। अभी इस बार कुछ नहीं बनाया है, अभी मैं पिछले बार का ही बना रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है और मार्केट भी जाना नहीं हुआ मेरा, तो इसी वजह से ड्रेस भी नहीं लेके आ पाई हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही होगा पिछली बार। तो ये हमारे शालिग्राम जी हैं। और चलिए अब मैं आपको ठाकुर जी के और राधा रानी के दर्शन करा देती हूँ। और आज मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है मुझे तो ये देखिए, ये हमारे ठाकुर जी, मेरे युगल सरकार, ये देखो कितनी क्यूट लग रही हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। उन्हें मैंने शॉल के साथ ड्रेस पहनाई है, लहंगा के साथ मैंने शॉल भी बनाया हुआ है गरम रेड वाइट के मैचिंग में। और जैसे मैंने बताया ही था, मंगलसूत्र बनवाए थे ये मैंने, बड़ी वाली राधा रानी के भी बनवाए थे और अपने क्यूटी पाई के भी बनवाए थे। ये देखिए छोटे छोटे से, और ये मैं कड़े भी लेके आई थी क्योंकि मैचिंग वैचिंग बिल्कुल वाइट ड्रेस के साथ में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिला के लेके आई थी। आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि तबीयत बहुत ख़राब, ज़्यादा ज़्यादा ही ख़राब चल रही है मेरी, वही सर्दी और गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो चलिए अब हम दर्शन कराते हैं आपको माता रानी के। हमारी माता रानी को भी आज मैंने ऊनी वस्त्र लहंगा जो है पहना दिया है। तो ये देखिए, आज मैंने सभी के ऊनी वस्त्र निकाल दिए हैं, ओनली शंकर जी के नहीं निकाल पाई हूँ अभी, तो उनके भी निकालूंगी। ये देखिए, ये गणेश जी के हैं कुछ इस तरह से। घर पर ही मैं बना के इनके ड्रेस तैयार करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने हाथों से ही मैं पहनाऊँ बना के अच्छे से अच्छा, और जितना हो सकता है अपने तरफ से उतनी कोशिश करती हूँ बनाने की। तो कुछ इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार किया हुआ है। ये लक्ष्मी माता है और ये गणेश जी हैं। अब मैं दर्शन कराती हूँ आपको दुर्गा माँ के। उन्हें मैं चुन्नी नहीं पहना पाई हूँ, देखिए चुन्नी पहनाना भूल गई हूँ। तो ये हमारी दुर्गा माता हैं, जिन्हें कि मैं आप चुन्नी डाल दूँगी। तो ये लीजिए भाई, माता रानी को चुन्नी डालना मैं भूल गई थी, पता नहीं कैसे दिमाग उधर तैयार करने में लगी हुई थी, तो इस वजह से ये देखिए इस तरह से हमने अपनी माता रानी को भी चुन्नी डाल दी है। ये उनका लहंगा बना दिया मैंने पुलन का, ये देखें। और ये हमारे शंकर जी हैं, इनका अभी मैं शॉल निकालूंगी, इनका शॉल बना रखा है मैंने। और ये हैं हमारे हनुमान जी, इनका भी मैं पीला बनाने की सोच रही हूँ, ऑरेंज कलर का चोला बनाऊंगी इनके लिए। तो अभी तो फिलहाल मैंने इनको पहना दिए हैं क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरह से आज मैंने जो है इनको सभी को ऊनी ड्रेस पहना दी है। पूजा मेरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं दीपक जल रहे हैं, मिश्री है, अभी भी मैं इसमें मिश्री में जो हूँ तुलसी पत्ते का भोग मिलाऊंगी, तुलसी पत्ता, क्योंकि अभी मैंने सबके लिए भोग लगाया है तो इसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। थोड़ी देर में अभी तुलसी पत्र डाल के अपने लड्डू बाबू को दे देंगे भोग में। तो बताइएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू बाबू, ठाकुर जी और लाडली किशोरी कन्नू सब परिवार मेरे पूरा मंदिर में। तो सभी देवता कैसे लग रहे हैं मेरे सभी प्रभु,
और ये देखिए कुछ इस तरह से है लुक मंदिर का। और ये मेरे ठाकुर जी के मोर पंख रखे हुए हैं इस तरह, ये देखें बड़े वाले भी हैं और छोटे भी हैं, तो कुछ इस तरह से मैंने मोर पंख लगाए हुए हैं। और ये देखिए इस तरह से कुछ आज मैंने पूजा की है। आप सब भी बताइएगा कैसी लगे मेरे सब भगवान जी, और सबकी ड्रेस कैसी लग रही है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैं मिलूंगी अब आपको न्यू वीडियो के साथ, और बताइएगा किस टॉपिक पे मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सब खुश रहिएगा। और आप सभी को गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हैप्पी पूरा साल ये सबका खुशी से जाए। गुरु पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को फ्रेंड। तो राधे राधे।